हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक में। आज हम इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक पुश बटन एलईडी कंट्रोल कैसे बनाएंगे। मतलब कि एक एलईडी आर्डिनो का जो बोर्ड होता है उसमें हम एक एलईडी लगाएंगे और एक पुश बटन लगाएंगे, जिसे प्रेस करने पर हमारा एलईडी बढ़ेगा या फिर हम उसे कुछ चेंज करके हम पुश करने पर ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में इंट। अब इसके आगे हम एलईडी ले रहे हैं, तो सबसे पहले एलईडी लिखकर साइन देना है इक्वल टू का। उसके बाद हम आगे उसके आगे बढ़ेंगे, हमें कौन सा पिन सेलेक्ट करना है। तो हम पिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पिन नंबर 4 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें देना है सेमी कॉलन। इससे क्या होता है, हमारा जो भी प्रोग्रामिंग है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेवल पे, मतलब उससे नीचे आते हैं हम। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है फिर से इंट। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखना है बटन, फिर स्पेस देना है, फिर सेम साइन लेकर उसके बाद हमें बटन पिन सेलेक्ट करना है। तो बटन पिन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से सेमी कॉलन देकर इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब इंटर देकर नीचे आएंगे। अब उसमें लिखना है हमको वाइड सेटअप। इसमें क्या होगा कि हमें जो भी हमने उस पर डिफाइन किया है ऊपर में, अब इसमें हमको सेटअप करना है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट दे देना है। अब इंटर करके नीचे आना है। अब देना है यहाँ कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी हमें प्रोग्रामिंग करना है इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना है। तो इसे इंटर देकर एक नीचे कर देते हैं। अब इसके बीच में हमको लिखना है, तो यहाँ हमें लिखना है पिन मोड। मतलब कि हमने जो भी एलईडी ऊपर सेलेक्ट किया है, बटन सेलेक्ट किया, तो वो क्या रहेगा, इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है पिन, एम कैपिटल होगा, MODE पिन मोड। उसके बाद हमें देना है ब्रैकेट। अब हमें यहाँ लिखना है, सबसे पहले दिया था एलईडी, तो एलईडी लिखेंगे, एलईडी कॉमा देना है। उसके बाद स्पेस देकर ये क्या रहेगा, एलईडी आउटपुट रहेगा। तो यहाँ हमें लिखना है, सब कैपिटल लेटर में रहेगा, आउटपुट आउटपुट, ये हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसको भी सेमी कॉलन देकर टर्मिनेट करना है। यहाँ से यह टर्मिनेट हो गया। अब इंटर देकर फिर से नीचे आएंगे। अब हमें बटन सेलेक्ट करना है, तो फिर से लिखेंगे पिन, पिन मोड। अब हमें यहाँ फिर से ब्रैकेट देना है। अब लिखना है बटन। बटन देकर हमें यहाँ कॉमा देना है। उसके बाद स्पेस देकर लिखना है इनपुट, सब कैपिटल लेटर में होगा इनपुट। अब हम इसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ से इसको टर्मिनेट करेंगे। अब हमें यहाँ देना है वाइड लूप। वाइड लूप देकर यहाँ ब्रैकेट देना है। इससे क्या होगा, हमने ऊपर में वाइड सेटअप में हमने जो भी सेटअप किया था उसमें हमें कंपाइलर को बताना था कि हमें एक बार, मतलब कि इसमें जो भी हमने लिखा था वो एक बार होगा, मतलब एक बार होकर रुक जाएगा। अब हमें बार बार इसको करते रहना है, तो इसके लिए हमें वाइड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ लिखना है वाइड लूप, उसके बाद ब्रैकेट देना है। अब उसके नीचे आना है। अब यहाँ देना है हमें कर्ली ब्रैकेट। तो सिंपल सा हमें कर्ली ब्रैकेट यहाँ दे देना है। अब इसके अंदर हमें लिखना है, तो इसे कर्ली ब्रैकेट को एक को हम नीचे कर देते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ लिखेंगे इफ़। उसके बाद हमें स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद हमें फिर से यहाँ ब्रैकेट देना है। अब यहाँ लिखना है डिजिटल रीड। डिजिटल हो गया। अब यहाँ रीड का आर जो है कैपिटल होगा, RED रीड। अब यहाँ फिर से हमें ब्रैकेट देना है।
अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है बटन, क्योंकि हमें रीड करना है बटन से, तो यहाँ बटन लिखेंगे, बटन हो गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर आना है, अब यहाँ देना है इक्वल टू का साइन। अब हमें यहाँ लिखना है हाई, सब कैपिटल में होगा, डिजिटल रीड बटन हाई। अब यहाँ से हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, अब नीचे आना है, यहाँ हमें सेमी कॉलन नहीं देना है क्योंकि अभी ये लाइन पूरा नहीं हुआ है। अब इंटर देकर हमें नीचे आना है, दो इंटर दे देते हैं। अब यहाँ फिर से हमें कर्ली ब्रैकेट देना है, तो यहाँ हमें दो कर्ली ब्रैकेट फिर देना है। अब इसके अंदर हम इसे भी इंटर करके हम नीचे कर देते हैं दो, उसके बाद ऊपर बीच में लिखेंगे हम। हमने ऊपर लिखा था डिजिटल रीड बटन हाई, अब लिखना है यहाँ डिजिटल राइट, डिजिटल राइट। अब हमें इसमें देना है ब्रैकेट, अब लिखना है डिजिटल रीड बटन हाई हो गया था, अब हमें बटन हाई देकर क्या ग्लो कराना है, क्या कराना है, तो हमें यहाँ लिखना है एलईडी, एलईडी। अब यहाँ हमें देना है यहाँ कॉमा देना है, उसके बाद लिखना है हाई। अब हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब यहाँ हमें देना है सेमी कॉलोन, इससे हो गया ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया इफ़ डिजिटल रीड बटन हाई, मतलब कि यहाँ से बटन हाई होगा तो डिजिटल लाइट एलईडी ग्लो हो जाएगा। अब हमें यहाँ ऑफ भी करना है उसको, तो उसके नीचे आएंगे ये सेमी कर्ली ब्रैकेट को छोड़कर, इसके नीचे आकर हमें इंटर देना है। अब हमें यहाँ फिर से कर्ली ब्रैकेट देना है। अब इसके अंदर हमें लिखना है यहाँ हमें ऊपर लिखना है सबसे पहले, सॉरी मैं भूल गया था, ऊपर लिखना है एल्स, मतलब कि यहाँ हम जब बटन हाई करेंगे, मतलब बटन को पुश करेंगे तो हमारा एलईडी ऑन होगा, और नहीं तो यहाँ पे हमें एल्स लिखना है। उसके नीचे यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें देना है डिजिटल राइट, फिर से लिखना है डिजिटल डिजिटल राइट, फिर ब्रैकेट हमें देना है एलईडी, कॉमा देकर लो। अभी हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है, यहाँ सेमी कोलोन लगाकर यहाँ इसे टर्मिनेट कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हमें इसको रन करवाना है।